भगवान ने लक्ष्मण जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है। लक्ष्मण तुम यही अयोध्या में रहो, गुरु जी के साथ जरा अयोध्या की स्थिति पर कुछ विमर्श करो और हमको जाने दो वन में। देखो माता पिता की ये स्थिति है। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो प्रभो, गुरु पितु मातु न जानिए काहू। कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, मैं किसी को नहीं जानता। और प्रभु एक बात सुन लीजिए, आपके चरणों के दर्शन के साथ मेरा जन्म हुआ था, आपके चरणों के दर्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ हूं। और कान खोल के स्पष्ट सुन लीजिए, मरूंगा भी तो आपके चरणों का दर्शन करते करते मरूंगा, बीच में कोई हमको दूर नहीं कर सकता है, कोई अलग नहीं कर सकता है, चलूंगा आपके साथ वन में। कौन माता, कौन पिता? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं किसी को नहीं जानता। भगवान को लगा कि लक्ष्मण मानेगा नहीं, चलेगा साथ। तो भगवान ने कहा, सुनो, अपनी मां से अनुमति लेकर आओ, जाओ अपनी मां से पूछ कर आओ। और लक्ष्मण जी यहां से अपनी मां के पास चले हैं। सुमित्रा माँ इतनी भोली भाली है कि कुछ नहीं जानकारी इसको। लक्ष्मण बेटा, ये बाजे क्यों बंद हो गए? अयोध्या में ये राज्याभिषेक का उत्सव क्या हो गया, टल गया क्या, कोई बात हो गई क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, मां, राज्याभिषेक का उत्सव टल चुका है और भगवान मां जानकी के साथ पिताजी की आज्ञा के पालन के लिए वन में जा रहे हैं, और मैं भी। तो अब देखो यहां पर दूसरी मां का चरित्र रघुवंश की। सुमित्रा मां ने कहा, तू भी? हां मां, मैं भी। तो तू भी जब जा रहा है तो यहां क्यों आया मेरे पास? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि जाओ अपनी मां से अनुमति लेकर आओ, आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा मां ने कहा, कौन मां, कैसी मां, किसकी मां? लक्ष्मण जी ने कहा, अरे तू मेरी मां है ना, तू मेरी मां है ना। सुमित्रा मां ने कहा, ए लक्ष्मण, ये देह वाली मां है, ये कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष तुम्हारा साथ देगी। ये धरोहर की मां है, जैसे कोई वस्तु किसी के पास धरोहर के रूप में रखी जाए तो उस वस्तु पर उसका अधिकार नहीं होता है, केवल उसकी रक्षा करने का अधिकार होता है। तो ये धरोहर की मां है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, फिर मेरी मां कौन है, मेरे पिता कौन है? सुमित्रा मां ने कहा, सुनो बेटा, तात तुम्हारे मातुवैद्य तात तुम्हारे तेरे माता पिता तो सीताराम हैं,
वही तेरे माता पिता हैं। और अयोध्या वही है जहां पर राम है। इसलिए लक्ष्मण अवध तुम्हार काज कछु नाही। यदि राम वन में जा रहा है तो तुझे भी वन में जाना चाहिए। देखो ये, देखो ये कैसी माँ है, अपने बेटे को भगवान की सेवा के लिए भेज रही है, सहर्ष भेज रही है। तब ये देश बचा है, तब धर्म बचा है, तब संस्कृति बची है। इन माताओं के त्याग के कारण, वैराग्य के कारण, इनके समर्पण के कारण आपने भगत सिंह की कथा सुनी हो। भगत सिंह को फांसी हो गई। भगत सिंह की मां रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, किसी का नौजवान बालक चला गया। लोग समझा रहे थे, दुनिया वाले समझा रहे थे, मां रो मत, तेरा बेटा तो देश के लिए बलिदान हो गया, उसकी तो सर्वत्र जय जयकार हो रही है, रो मत रो मत रो मत। लोग जब समझाने लगे तो भगत सिंह की मां और फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी हमको समझाओ मत तुम लोग, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा देश के लिए बलिदान हो गया, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि भगवान ने एक बेटा और दिया होता तो उसको भी देश के लिए मैं विदा कर दी होती, वो भी देश की रक्षा करता, वो भी धर्म की रक्षा करता। तब ये बचा है देश, ये स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली है। क्षमा करना, लाखों लाखों प्राणों की आहुति पड़ी है इस स्वतंत्रता के यज्ञ में। इतनी सरलता से, इतनी आसानी से, इतनी कम कीमत नहीं चुकानी पड़ी, बहुत कीमत चुकानी पड़ी। ऐसी वीर माताओं को प्रणाम करें, ये वीर भोग्या वसुंधरा है। लक्ष्मण तुझे जाना पड़ेगा, जाओ, लेकिन सुनो, तुमको क्या लगता है कैकेयी के कारण राम वन में जा रहा है? कैकेयी के कारण राम वन में नहीं जा रहा है। राम यदि वन में जा रहा है तो तुम्हारे कारण, तुम्हारे ही भागो राम वन जाए, तुम्हारे ही भागो राम बन जाए, तो सर है तो तात कछु नाही, तो सर है तो तात कछु नाही, तुम रे ही भागो राम बन जाए, तुम रे ही भागो राम बन जाए, तो सर है तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण लक्ष्मण राम वन में जा रहा है। मेरे कारण मां, मैंने क्या किया? बेटा तू जानता नहीं है, तू शेषनाग का अवतार है और ये धरती तेरे शीश पर टिकी है और इस समय धरती का भार बहुत बढ़ चुका है, धरती पाप से भारी हो गई है और ये पाप का बोझ तू अब ढो नहीं पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए तेरे बोझ को हल्का करने के लिए भगवान वन में जा रहे हैं। बड़े दयालु हैं ना परमात्मा, वो आपके बोझ को हल्का करने के लिए जा रहे। तो लक्ष्मण, यदि राम तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए जा रहे हैं तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तुम्हारा भी दायित्व तो बढ़ जाता है। क्या मां, कि राम की सेवा में जागृत और स्वप्न में भी कोई विकार नहीं आना चाहिए। अहर्निश
तुझे दिन रात राम की सेवा करनी है, स्वप्न में भी कोई विकार नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, मां जागृत में तो कोई विकार नहीं आएगा, ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन स्वप्न में विकार न आए ये तो बड़ी कठिन बात है। स्वप्न में तो अनचाही बातें भी मन में आ जाती हैं, उसमें तो किसी का वश नहीं होता है, और तू स्वप्न का भी भरोसा चाहती है, वचन चाहती है। हाँ बेटा, स्वप्न में भी कोई विकार नहीं आना चाहिए। तब लक्ष्मण जी का वह पुरुषार्थ जाग गया, वह वैराग्य, वह समर्पण। लक्ष्मण जी ने कहा, मां जागृत में तो कोई विकार नहीं आएगा, लेकिन यदि तू स्वप्न का भी भरोसा चाहती है तो आज तेरा लक्ष्मण तेरे दूध की सौगंध खाकर तेरे चरणों में कहता है कि आज से लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोएगा ही नहीं, न सोएगा, न स्वप्न आएगा, न विकार होगा। और 14 वर्ष तक दिन रात जाग कर बंधुओं माताओं, ये सेवा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और मां ने क्या कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ कौन है, तेरे साथ तो सीताराम स्वयं है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना है, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना है, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, तेरे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। कथा सत्संगी जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक से बजरंगी, उनके सहायक से बजरंगी, जो जन राम कथा सत्संगी जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक से बजरंगी, उनके सहायक से बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। रघुवर से जानकी मैया, पितु रघुवर से जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुवर से जानकी मैया, पितु रघुवर से जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना 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 क्या करना, सिर पर सीताराम
कर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम कर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम कर फिर क्या करना, सिर पर सीता राम कर फिर क्या करना। लक्ष्मण जी को माँ की अनुमति प्राप्त हुई है कि जाओ। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि रास्ते में उर्मिला जी का भवन पड़ता है, और बिना उर्मिला जी से यदि मैं मिले चला गया तो रो रो कर प्राण दे देगी, और मन में ये चिंता हो रही थी कि यदि मिला तो कह सकती है कि जब जानकी जी भगवान के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं आपके साथ। इस उधेड़ बुन में फंसे थे, ये धर्म संकट था आज लक्ष्मण जी के सामने। और जब धर्म संकट में आता है तो मनुष्य को कोई रास्ता नहीं सूझता, करें क्या। और वैसे जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसी संकोच में उर्मिला जी के भवन की ओर बढ़ रहे हैं, और बंधुओं माताओं अब इस नारी का चरित्र देखो। उर्मिला गोस्वामी जी ने तो बहुत विस्तार से कुछ संकेत नहीं किया है मानस में, लेकिन हमने संतों के मुख से अन्य ग्रंथों के माध्यम से कुछ उर्मिला जी के बारे में जानने का प्रयत्न। उर्मिला कौन है? उर्मिला को ये बात मालूम हो चुकी है कि मेरे पति भगवान की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास में जा रहे हैं। उर्मिला आज 16 श्रृंगार करके तैयार है। उर्मिला प्रसन्न है और लक्ष्मण जी संकोच में, लक्ष्मण जी संकोच में द्वार पर खड़े हैं, शीश झुकाकर बोल नहीं पा रहे। और जब उर्मिला जी को लगा कि मेरे पति संकोच में है, कंधा पकड़कर हिला दिया, हे आर्य पुत्र क्यों संकोच में हो, आपको क्या लगता मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सब पता है, और मुझे पता है कि आप भगवान की सेवा में जा रहे हो, आपको क्यों कष्ट है, आप क्यों दुखी हो। अरे मैं तो इतनी प्रसन्न हूं कि अपने पिता को पत्र लिखने जा रही हूं और सूचित करने जा रही हूं कि हे पिताजी मेरा सुहाग धन्य हो गया, मेरे सुहाग को भगवान की सेवा का अवसर मिला है, मेरा सुहाग तो भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, क्यों कष्ट में है, छोड़ दो ये संकोच। आपको क्या लगता है, मैं आपसे कहूंगी कि जब जानकी जी जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं आपके साथ। हे आर्य पुत्र, हे स्वामी, मैं किसी भोग की गोद में खेल कर बड़ी नहीं हुई हूं, मैं योगी राज जनक की बेटी हूं, योग की गोद में खेल कर बड़ी हुई हूं, मेरे मन में ये कोई विचार नहीं है, आप संकोच छोड़ो। मानस में सूत्र है ना, ऐसे आपत्ति और विपत्ति के काल में 4 की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आपत काल परखिए जाए, आपत काल परखिए जाए। काल
संकोच छोड़िए। और जैसे ही उर्मिला जी ने ये बात कही है, लक्ष्मण जी के आंखों में जो आंसू थे वो टपक छलक और रोने लगे। उर्मिले मन तो करता है कि तेरे चरणों में बैठ कर रोऊं, आज तूने हमको गिरने से बचा लिया है, आज तूने हमको गिरने से बचा लिया है। और बंधुओं माताओं, ये जो पत्नी शब्द है, पत्नी की यही परिभाषा होती है, जो पति को पतन से बचा देती है उसी का नाम पत्नी है, जो पति को गिरने से बचा देती है, पति को संकोच से बाहर कर देती है उसी का नाम तो पत्नी है। इसलिए पत्नी के आगे धर्म पत्नी शब्द जुड़ता है। अब पता नहीं धर्म पति क्यों नहीं जुड़ता, मुझे पता नहीं, लेकिन पत्नी के आगे धर्म पत्नी जुड़ता है। अब पति के आगे क्यों नहीं जुड़ता, कोई विद्वान मिलेगा तो पूछना। धर्म पत्नी रो पड़े लक्ष्मण जी। सामान्यतया लक्ष्मण जी रोते नहीं है, सामान्यतया लक्ष्मण जी रोते नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी काल हैं। काल अच्छों अच्छों को रुलाता है, स्वयं नहीं रोता। लेकिन आज लक्ष्मण जी रो पड़े। जीवन में एक दो तीन ऐसे अवसर आए हैं जब लक्ष्मण जी के आंखों से आंसू बह पड़े। आज रो दिए, एक उस समय रो देंगे जब मां जानकी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उस अग्नि परीक्षा के लिए, अग्नि प्रकट करने के लिए लक्ष्मण जी को ही कहा गया, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। रो पड़े थे और एक बार और रो दिए थे जब मां जानकी गर्भावस्था में थी, 8 माह का लगभग गर्भ था। और जानकी जी को जब फिर से वनवास भेजना पड़ा था तो वनवास भेजने के लिए लक्ष्मण जी को ही छोड़कर आना पड़ा था, तब बिलख कर रो पड़े थे। सामान्यतया नहीं रोते, रोते। उर्मिला जी ने कहा आप सेवा में जाइए, मैं रोकूंगी नहीं, बस एक प्रार्थना है। उर्मिला जी भवन में गई है, आरती का थाल सजा कर लाई है, 16 श्रृंगार के वस्त्र पहने हैं। आज वही वस्त्र उर्मिला जी ने पहना है जिस वस्त्र को जनक जी ने पहनाकर विदा किया था। और अपने पति की आरती उतार रही है उर्मिला जी विदाई की। और आरती उतारने के बाद बस एक बात कही है, हे आर्य पुत्र, हे पति देव, आप भगवान की सेवा में जा रहे हैं, जाइए, बस एक वचन दे दीजिए, आज जिस आरती की थाल और जिस दीपक से आपकी आरती उतार रही हूं, 14 वर्ष के बाद इसी दीपक से आपकी पुनः आरती उतारूंगी, मेरे आरती के दीपक को धोखा मत देना, मेरा दीपक जलते रहना चाहिए, धोखा मत देना, ये वचन चाहती हूं। बंधुओं माताओं, आपको शायद जानकारी होगी, उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक अपने श्रृंगार के कपड़े नहीं उतारे। उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक अपने भवन का द्वार नहीं बंद किया। उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक भोजन नहीं ग्रहण किया। उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक भूमि शयन किया है। और उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक अपने आरती के दीपक को बुझने नहीं दिया है। आपको क्या लगता है, ये जो मेघनाद मारा गया ये लक्ष्मण जी के बाणों से मारा गया,
लक्ष्मण जी के बाण में वो शक्ति शायद नहीं थी जो मेघनाद को युद्ध के मैदान में मार सकती थी। लक्ष्मण जी के बाणों में जो शक्ति काम कर रही थी वो उनके पत्नी उर्मिला के साधना की शक्ति काम कर रही थी, उसकी तपस्या की शक्ति काम कर रही थी। ये जो आपको भव्य रामराज्य का भवन दिखता है ना, जो सुंदर रामराज्य का भवन महल आपको दिखता है, भगवान ने तो उस पे कलश रखने का काम किया है। वास्तव में तो जनक परिवार की चार चार बेटियां इस रामराज्य के भवन की नींव में चुनी गई थी। ये चारों बेटियों ने इस रामराज्य को खड़ा किया। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी से दीपक जलने की बात कही है। और आपको ये पता है ये घटना खुली कब कि उर्मिला जी ने दीपक जलाकर रखा? आपको ये जानकारी होगी, आपने सुना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए, और जब लौट रहे थे संजीवनी लेके तो भरत जी ने बाण मारकर गिरा लिया था। सारी माताएं वहां पर बैठी थी, उर्मिला जी भी बैठी थी। बड़ा मार्मिक कारुणिक प्रसंग है। कौशल्या माने का हनुमान लक्ष्मण को क्या हुआ, मेरा लक्ष्मण ठीक तो है? हनुमान जी के नेत्र में आंसू आ गए। मां कैसे बोलूं, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मूर्छित हैं, लंका में हैं, और मैं उनके लिए संजीवनी लेकर जा रहा हूं, उनके प्राण संकट में हैं। कौशल्या मां रोने लगी, कहने लगी, सुन हनुमान सुन, मेरे राम से जाकर कह देना कि यदि लक्ष्मण जीवित नहीं बचा तो राम अपना मुंह अयोध्या में नहीं दिखाएगा, लौट कर आने की आवश्यकता नहीं है, बिना लक्ष्मण के राम की कोई शोभा नहीं। और तभी बीच में सुमित्रा मां बोल पड़ी, देखो इस देश की माताओं का चरित्र, बोल पड़ी बीच में, हनुमान कौशल्या मां की बातों में मत आना और राम से जाकर कह देना लक्ष्मण बचे न बचे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को तेरे साथ भेज रही हूं, जानकी वापस आनी चाहिए। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू बह, वारे रघुवंश की माताओं का चरित्र, एक बेटा भी जीवन मृत्यु से जूझ रहा है, झेल रहा है, और एक माँ है कि अपने दूसरे बेटे को भी भेजना चाहती है युद्ध के मैदान में। बंधुओं माताओं, धर्म की रक्षा के लिए तो लोगों ने सर्वस्व न्यौछावर किया, पूरे पूरे परिवार की आहुति पड़ी है धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। उर्मिला जी बैठी थी, उर्मिला जी मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी ने कहा, देवी मुस्कुराइए मत, आपके पति के प्राण संकट में हैं। तो उर्मिला जी ने हनुमान जी से कहा, चाहे एक बात बता, मेरे पति इस समय कहां पर हैं? मेरे पति कहां हैं? हनुमान जी ने कहा, आपके पति मूर्छित हैं, भगवान की गोद में लेटे हैं। उर्मिला जी ने कहा, हे बंदर,
यदि कोई भोग की गोद में लेटा होता तो उसके प्राण संकट में हो सकते थे। मेरा पति तो भगवान की गोद में लेटा है और जो भगवान की गोद में लेटे उसके प्राणों को कुछ नहीं हो सकता। और सुनो हनुमान, यदि तुम युद्ध करते करते थक गए हो तो दो चार दिन विश्राम कर लो, अभी मेरे पति को कुछ नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, माँ ये भावुकता का समय नहीं, ऐसी बातें मत करो। यदि सूर्योदय से पूर्व मैं नहीं पहुंचा संजीवनी लेके, आपके पति के प्राण जा सकते हैं। तब उर्मिला जी ने कहा, हनुमान तुझे मेरी बातों पर यदि भरोसा नहीं है तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर रही हूं। और उर्मिला जी ने वही जलता हुआ दीपक दिखा दिया कि हनुमान यदि मेरे पति के प्राण संकट में होते तो ये दीपक मुझे संकेत कर दिया होता, और ये दीपक अभी ठीक प्रकार से जल रहा है, इसका मतलब है मेरे पति के प्राण को कुछ नहीं हुआ। ये इस पत्नी की साधना की शक्ति बोल रही है, इसकी तपस्या की शक्ति, और इन दोनों से बढ़कर भगवान पर विश्वास। बंधुओं माताओं, जिनको भगवान की कृपा पर भरोसा होता है, लाख आंधी आए, लाख तूफान आए, लाख बवंडर आए, लाख बारिश आए, उनका दिया जलता ही रहता है और आप